बीते 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। हालांकि लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनावों यानी 2014 और 2019 में अकेले दम पर बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन पार्टी के कई नेता ऐसे भी थे जिनकी जीत और उनके नाम की चर्चा काफी हुई। इसी कड़ी में गुरुग्राम से चुनाव जीते राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी शामिल है। बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने इस चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को लगभग 75,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। वहीं अपने राजनीतिक करियर में कुल 11 चुनाव लड़ने वाले राव इंद्रजीत सिंह महज एक बार ही चुनाव हारे हैं, यानी उन्होंने अभी तक 10 बार जीत हासिल की है और अब वो गुरुग्राम सीट से लगातार 4थी बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अगर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अपनी सियासी पारी का आगाज साल 1977 में रेवाड़ी जिले की जाटूसाना विधानसभा सीट से किया था। राव इंद्रजीत सिंह अपने पहले ही चुनाव में जीत गए थे। इसके बाद यहां से लगातार 4 बार 1977 से 1982, 1982 से 1987, 1987 से 1991 और फिर 2000 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य के तौर पर चंडीगढ़ पहुंचे। इसके बाद उनकी सीट जरूर बदली, लेकिन उनकी जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। हालांकि साल 2004 और 2009 में वो कांग्रेस के टिकट से जीते। उन्होंने गुरुग्राम से कथित डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा लैंड स्कीम मामले में सीबीआई जांच की मांग की और पार्टी के गतिरोध के चलते इस्तीफा दे दिया। वहीं 2014 में बीजेपी के टिकट से वो फिर गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़े और तब से अब तक लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते ही आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 चुनावों में 2 और 3 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज कर रहे राव इंद्रजीत सिंह इस बार कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर से कांटे की टक्कर दिखी, जिसकी वजह से उनकी जीत का मार्जिन भी काफी कम रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।